हाय गाइस, मेरा नाम है मुकेश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके लिए मैं थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। अपना जो बैकग्राउंड रहता है वीडियो का बैकग्राउंड, जैसा कि आपको मेरा जो पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है, उसको कैसे हटाया जाए। तो चलो आज मैं आपके लिए अपना जो बैकग्राउंड रहता है वीडियो बैकग्राउंड कैसे हटा दें वो आपके लिए सिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर दें। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले आपको कानमास्टर को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। तो आपको आप जैसे ही कानमास्टर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली कानमास्टर को ओपन कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप कानमास्टर को ओपन करोगे, उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको 16:9 पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आप अपना पीछे का बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो वो आप सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से कुछ बैकग्राउंड वगैरह हैं तो वहाँ से आपको कुछ बैकग्राउंड्स को यहाँ पर ले लेना है। उसके बाद मैंने इस बैकग्राउंड को यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद इसकी लेंथ है थोड़ी सी बढ़ा देनी है। उसके बाद जो भी आपने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, तो जो भी आपने ग्रीन या ब्लू या फिर कोई भी कलर में मैं जो भी आपने बैकग्राउंड का जो ग्रीन या ब्लू कलर में आपने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड की हुई है तो उसको आपको सिंपली मीडिया में जाकर के इंपोर्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर ये वाला वीडियो जो है अभी मैंने रिकॉर्ड किया था, तो इसका सबसे पहले हम वॉल्यूम जो है वो कम कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको इस वीडियो को बिल्कुल एकदम अपने जो बैकग्राउंड है उसको बिल्कुल फिक्स में कर देना है, जो कि आपकी फुल स्क्रीन पर आ जाए। उसके बाद आपको इसी वीडियो वाली लेयर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा क्रोमा की, तो जैसे ही आप इस क्रोमा की पर क्लिक करोगे और इसको इनेबल करोगे, आपका जो बैकग्राउंड है वो कुछ आपका ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा। और यहाँ पर आप शो मास्क करके आप इसको देख भी सकते हैं। तो यहाँ से कुछ आपको चेंजेस करने पड़ेंगे कि यहाँ से आपको कितना, मतलब जो आपको यहाँ पर ये मास्क टाइप को दिख रहा है, यहाँ से आपको कुछ सेटिंग यहाँ से नीचे की तरफ से तो अपने जो भी फिक्स वगैरह है वो आपको आराम से यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड था वो इरेज हो चुका है। और इस तरीके से आप बड़ी आसानी से जो अपनी क्रोमा की मदद से जो भी आप बैकग्राउंड है वो आप इरेज कर सकते हैं। तो आपने भी देखा था कि मेरे जो बैकग्राउंड में था उसके कुछ ग्रीन कलर का कुछ मतलब बैकग्राउंड में हुआ था, तो वहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरा मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। तो आप इस तरीके से बड़ी आसानी से जो है क्रोमा की मदद से, तो यहाँ पर क्रोमा की को ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर क्रोमा की को आप इनेबल करके इस तरीके से अपने जो बैकग्राउंड को रेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब बैकग्राउंड हमारा वही का वही है जो हमने पहले इम्पोर्ट किया हुआ था। अब यहाँ पर जो हमारा लेकिन जो वीडियो है, तो इस वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो पूरा का पूरा इरेज हो चुका है। तो मतलब हम अपने जो वीडियो का बैकग्राउंड रहता है, हालांकि कोई भी बैकग्राउंड हो आप बड़े ही आसानी से उसको आप कोई भी बैकग्राउंड हो आप उसको मतलब आसानी से इरेज कर सकते हो। तो आपने देखा अभी कि मतलब हमने आपको आसानी से जो है वो बैकग्राउंड को एडजस्ट कर दिया है। आप इस तरीके से बड़े ही आसानी से अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस तरीके से हम बड़े ही आसानी से अपना वीडियो बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं बिल्कुल, मतलब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम बिल्कुल आसानी से आपका जो बैकग्राउंड रहता है वो हम हटा सकते हैं। तो भाई वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर दें। तो अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो हम मिलते हैं हमारे एक और लेटेस्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।